आज ये आईआईटी में जाने के बाद ये बच्चे इतने जीनियस कैसे हो जाते हैं? हाँ जी, ऐसा क्या गोल पिलाता है आईआईटी? और वैसे तो वर्ल्ड के सारे स्टार्टअप्स भी आईआईटी नहीं चला रहे हैं, बड़ी बड़ी टॉप एमएनसी कंपनीज कौन चला रहा है? आईआईटी तो चला रहे हैं। अब देश के सारे स्टार्टअप, ये चीफ मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर, ये देश के सारे कॉरपोरेट, हमारे देश के सारे स्टार्टअप और जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं ये भी सारे आईआईटी नहीं चलाते। हाँ जी, आज बात करूंगा आईआईटी की, ये आईआईटी कैसे इतना आगे बढ़ गया, आईआईटी का क्या केस स्टडी है, आईआईटी ऐसा क्या करता है जो लल्लू लाल कॉलेज नहीं करते, और आईआईटी नॉर्मल बच्चों को जो है एकदम ब्रांड बना देता है, जीनियस बना देता है, कैसे बना देता है आईआईटी, क्या करता है आईआईटी। अब शुरू से शुरुआत करते हैं, एक एक पकड़ेंगे और पूरे आईआईटी को नोच के निकालेंगे। अब आईआईटी का पहला यूएसपी है बैरियर एडमिशन और एजुकेशन। हाँ जी, अब बैरियर एडमिशन और एजुकेशन, आईआईटी ने क्या किया, अब यूईएपी, हाँ जी, यूनिक एक्सीलेंस एडमिशन प्रोसेस, आईआईटी ने क्या किया, आईआईटी को पता है, क्या पता है आईआईटी को, अब कि जो बच्चा 7 नंबर लेकर आ रहा है उसको 10 नंबर तक पहुंचाने में अब बहुत आसानी से पहुंचा सकता हूं उसको मैं, 10 नंबर तक 7 नंबर वाले बच्चे को बहुत आसानी से पहुंचा सकता हूं जी। अब वो जो 4 नंबर लेकर आ रहा है उसको 10 नंबर तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगेगा भैया, अब बहुत मेहनत लगेगा, अब तो मैं क्या करता हूं, मैं कम ही माल प्रोड्यूस करूंगा, हाँ जी, मैं जो कम ही बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ूंगा जीनियस माल प्रोड्यूस कर दूंगा, पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे वो। अब वही आईआईटी कर रहे हैं। अब कैसे क्या करता है ये, कैसे करता है ये, क्या करता है, सबसे पहले पूरे देश में एग्जाम अपना करवाता हूं जी भैया, पूरे देश में एग्जाम कराओ, मेरा तो ये जो है जेईई मेन का एक एग्जाम लेता है आईआईटी, हां जी, उसके अंदर जो है अभी 10 लाख बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, 10 लाख बच्चे, फिर भी उसके अंदर एक बैरियर और क्रिएट करता है, वो बोलता है 10 लाख में से जो टॉप के 2,50,000 बच्चे होंगे उनका मैं फिर से एग्जाम लूंगा। हाँ जी, तो दो 10 लाख बच्चे थे उनमें से जो 7.5 लाख बच्चों को तो उसने छांट दिया, उनको तो छोड़ दिया कि भाई तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। जो टॉप के जो 2.5 लाख बच्चे हैं उनके लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया, भैया तुम जो है मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम और दो, अगर इसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा जी। हाँ जी, अगर तुमने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बच्चे बोलते हैं ठीक है भैया, बच्चे फिर से एग्जाम देते हैं, क्या करते हैं फिर से एग्जाम देते हैं और फिर से इनका टेस्ट लगता है। फिर क्या बोलता है आईआईटी, फिर क्या बोलता है, भैया मेरे पास तो सिर्फ 7,000 सीटें ही हैं, मेरे पास तो सिर्फ 8,000 सीटें ही हैं, अब जो टॉप के 8,000 बच्चे हैं अब वो आ जाओ मेरे पास, और जो टॉप के 8,000 को ही पढ़ा पाऊंगा मैं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, और तो 10 लाख बच्चों में से अब सिर्फ 8 लाख बच्चों को लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने सिर्फ करीम करीम बच्चों को ले लिया, अब उसने वही अपनाया भैया जो सबसे टॉप का है, उसका उसका दिमाग ऑलरेडी चल रहा है, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उसके अंदर ऑलरेडी चिंगारियां तो जल रही है, पेट्रोल थोड़ा सा और डाल दूंगा और वो जो है डायरेक्टली दौड़ने लगेगा। हाँ जी, अब फुल स्पीड के अंदर दौड़ने लगेगा, आईआईटी यही काम करता है बेसिकली। अब जो जो पेट्रोल जो बहुत ज्यादा तेज गति से दौड़ रहा है ना, और उसके अंदर फिर से और थोड़ी चिंगारियां डाल देता है और वो फट जाता है आईआईटी। अब ये जो आईआईटी का जो लीडरशिप है ना वो बहुत खतरनाक लेवल का जी। अब ये आईआईटी का लीडरशिप क्या होता है, इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट आता है वो है फैकल्टी डेवलपमेंट, इनका जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपर्ट लेवल का, भाई साहब बहुत एक्सपर्ट लेवल का फैकल्टी है इनका। हाँ जी, जो आईआईटी का फैकल्टी आपने देखा है आंखों के ऊपर चश्मा, और चश्मे के ऊपर क्या लगा रहता है, हाँ जी क्या लगा रहता है, धागा लगा रहता है। प्रोफेसर बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एकदम यंगेस्ट प्रोफेसर को उठा के लगाएंगे, हाँ जी एकदम चमकता डोलता हुआ हीरो टाइप का आएगा टीचर पढ़ाने के लिए क्लास में, एकदम टसन करता हुआ, नो नो क्या करता है आईआईटी, आईआईटी क्या करता है, आईआईटी बोलता है मैं बूढ़ा प्रोफेसर लाऊंगा, मैं जिसके बाल सफेद हो चुके हैं उसको लाऊंगा, जो जो चल नहीं सकता, अब जो जो है हाथ में अपनी छड़ी लेकर चलता है उसको लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक्सपर्ट को लेकर आऊंगा। आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ जी क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तुम क्या करो, पहले तुम जो बैचलर की डिग्री लो, हाँ जी तुम पीजी की डिग्री लो, अब तुम दो पीडॉक करो, पीडॉक कर लिया तुमने, तुमने पीएचडी कर लिया, कोई बात नहीं मैं तुमको प्रोफेसर नहीं रखूंगा, तुम जो है रिसर्च पेपर करो, ठीक है, अब तुमने 10-15 रिसर्च पेपर किया, ठीक है तुम मेरे लिए अप्लाई कर, अब यहाँ पे तुम मेरे लिए यहाँ पे अब अप्लाई कर, प्रोफेसर को बोलता है आईआईटी ऐसा, तू मेरे लिए यहाँ पे अप्लाई कर, अच्छा अच्छा तूने अप्लाई किया है, कोई बात नहीं मैं तेरे को अभी जो है डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे को डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं रखूंगा, तू ऐसा कर तू जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, ठीक है मेरे जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं उसके अंडर में तू असिस्टेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3 साल तक तू काम कर, एक्सपीरियंस ले तू आईआईटी का तू एक्सपीरियंस ले, 3 साल बाद में तेरे को प्रोफेसर पे अपॉइंट करूंगा भैया। हाँ जी, 3 साल बाद में तेरे को प्रोफेसर पे अपॉइंट करूंगा। इतना मेहनत कराते हैं प्रोफेसर से, अब प्रोफेसर का खुद का 40 साल हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, अब लाइक इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही होता है। अब ऑलमोस्ट जो प्रोफेसर आते हैं वो बाहर से पढ़ के आते हैं, कोई हार्वर्ड से आ रहा है, कोई कैम्ब्रिज से आ रहा है, कोई टेक्सस से आ रहा है, तो एजुकेशन लेवल ऑफ द प्रोफेसर इज वेरी हाई। और जो बच्चे आ रहे थे वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, जो 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा हाई स्टडी करके आए थे, अब जो है उनके लिए क्या करते हैं, उनका जो करिकुलम है वो ऐसा डिजाइन करते भैया, जो कोर्सेज होते हैं वो तो और एक्स्ट्रा लेवल का डिजाइन कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इनका कोर्स कैसे डिजाइन होता है, जो लल्लू लाल कॉलेज होते हैं वो तो ऐसे ही हमारे भा भैया हाँ ये चैप्टर है ये चैप्टर है, लेकिन आईआईटी क्या करता है, आईआईटी के कोर्स कैसे डिजाइन होते हैं। वैसे तो दुनिया की इंडिया की सारी कॉलेजेज आईआईटी के सिलेबस को कॉपी करती है। हाँ जी, आईआईटी बॉम्बे ने ये बनाया भैया, हाँ जी आईआईटी के प्रोफेसर ने ये लिखा है, अच्छा अच्छा हमारे बच्चों के भी एग्जाम के अंदर यही डालो, हाँ आईआईटी के प्रोफेसर प्रीबोर्ड में ये क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप कोई बात नहीं यही क्वेश्चन डालो, हाँ हाँ लल्लू लाल कॉलेज वाला प्राइवेट वाला ये करता, आईआईटी के एग्जाम आया भैया, आईआईटी के सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं आप इस टॉपिक को पढ़ो। आईआईटी को लोग आज इतना कॉपी करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं आईआईटी के पेपर्स के बारे में। हाँ जी भैया, ये जो उनका जो किताबें होती है वो कैसे बनती है, अब तो जब उनके सिलेबस डिसाइड होता है अब तो पूरे वर्ल्ड से जो है प्रोफेसर को बोला जाता है, आप जो टॉपिक शेयर करो भैया, आप क्या क्या डालना चाहिए, और इनके सिलेबस में क्या क्या डालना चाहिए, इंडस्ट्री के लेवल का क्या होना चाहिए, और जो है इनको बहुत ज्यादा समझ आए ऐसा क्या होना चाहिए। अब तो पहले तो टॉप जितने भी बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है, अब जो कि ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपना जो है प्रस्तुत करते हैं पेपर्स एंड टॉपिक्स, उसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटियों के रिसर्चर्स प्रस्तुत करते हैं, भैया ये लो पूरे वर्ल्ड के सारे आगे, फिर उसमें से निचोड़ निकाल के देखते हैं, अच्छा अच्छा इसने ये डाला, ठीक है, इस प्रकार से जो है आईआईटी का सिलेबस तैयार किया जाता है। हाँ जी, उसके बाद में इनका क्या आता है, अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप किया, अब क्लासों के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा दिए, क्लासों के अंदर सेमिनार रूम्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, प्रोजेक्टर की सुविधा लगा दी, क्लासरूम को एकदम डिजिटली बनाया गया, एसी और पंखे और लाइटों की बहुत अच्छी सर्विस दे दी, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, बैठ के एकदम पढ़ रहे हैं क्लास में, लैपटॉप चला के बाहर जाने का मन ही नहीं करता। अब कैंपस के अंदर इतनी ज्यादा सर्विसेज दे दी बच्चों को कि वो कैंपस में एकदम खूब खुश रहने लगे। अब कैंपस के अंदर शटल की सर्विसेज दे दी जी, अब कैंपस की सिटी के बाहर भी शटल की सर्विसेज दे दी, इतना 500 एकड़ का कैंपस है, अब बच्चा कहाँ घूमेगा, अगर गाड़ी लेकर आएगा तो उसका खर्चा जो होगा हमारे कैंपस को क्यों गंदा करे भैया, अब कोई डीजल से चलाता है, कोई पेट्रोल से गाड़ी चला रहा है, क्यों चलाए हाँ, अब मैं अपना खुद का बस चलाऊंगा, ये ठीक है बोलता है, ठीक है मैं अपना खुद का बस चला देता हूँ, आप किसी को कोई गाड़ी कोई घोड़ा कुछ नहीं चलाने की जरूरत है, मैं अपना खुद का बस लगा देता हूँ, अब वो तो जो चलता रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, किसी को कहीं भी जाना है हमारी बस में बैठो, बाजार में घूम के आओ, अब वापिस आ जाओ। हाँ जी, अब कोई हेलीपैड की सर्विसेज भी दे दी आपको वहाँ पे, हाँ जी अब किसी को हेलीकॉप्टर से जाना है और ना कोई बात नहीं, अपना हेलीकॉप्टर तुम ले आओ, ठीक है हेलीपैड की सर्विसेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो आईआईटी क्या करते हैं, आईआईटी को पता है कि सभी बच्चों का फोकस इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट आईआईटी के अंदर तो अब एक्टिंग का कोई कोर्स ही नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो है एक्टिंग के लिए स्पेशल क्लब बना के रखता है, किसी को एक्टिंग करना है, किसी को ड्रामा करना है, बैडमिंटन खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तुमको किसी भी प्रकार का खेल खेलना है, कोई भी प्रतियोगिता करनी है, उसके लिए आपको सारी की सारी फैसिलिटी आईआईटी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी भैया। हाँ जी, सारी की सारी फैसिलिटी तुमको प्रोवाइड की जाएगी। और आईआईटी क्या देता है आपको, आईआईटी क्या करता है आपके लिए स्पेसिफिक आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए आप वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो, आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। जैसे आईआईटी वालों ने एक्टिंग क्लब, डांसिंग क्लब, एथलीट्स एंड नेशनल लेवल के सारे चैंपियनशिप क्लब खेल के सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए। इसके साथ भी इन्होंने क्या किया, तुमको पैसा निकालना है, तुम्हारे लिए बैंक, तुम्हारे लिए मॉल, तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट्स, तुम्हारे लिए 3D पिक्चर क्लब, हाँ जी सारा का सारा थिएटर, तुमको बाहर कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुमको आईआईटी के अंदर ही मिल जाएगा। अब ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सवाल आता है, ये आईआईटी से इतने ज्यादा
स्टार्टअप कैसे आ रहे भैया, ये सारे के सारे लोग आईआईटी से ही कैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, इतना क्या सिखाया जा रहा है वहां पे, इतना क्या सिखा रहा है भैया तू कि सारे के सारे लोग आईआईटी वाले स्टार्टअप ही कर रहे हैं। ये आज जोमेटो, ये स्विगी, ये इन्फोसिस, ये बड़े बड़े स्टार्टअप कहां से आए, ये सारे के सारे आईआईटी से पढ़े हैं। ये वैसे लल्लू लाल कॉलेजों से हर कोई इंजीनियर बन रहा है आज, ये इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप हर तो कोई नहीं कर रहा। अब बहुत सारे लोट ऑफ गाइस डूइंग द स्टार्टअप फ्रॉम द आईआईटी, आईआईटी में स्टार्टअप के लिए क्या खास होता है भैया, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम द आईआईटी। आईआईटी ने क्या किया, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिसर्च लैब बनाया। हां जी, अब तुमको तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो पहले इसने क्या किया, इनक्यूबेशन सेंटर भी आपके लिए बना दिया, इनोवेशन सेंटर भी आपने बना दिया, ई सेल तो आपके लिए बनाई रखी थी प्लेसमेंट के लिए, इनक्यूबेशन सेंटर भी बना दिया। क्या होता है इनक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर क्या होता है आपने नहीं सुना, हम बता दें इनक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। आपके पास कोई आइडिया है, आप इनक्यूबेशन सेंटर के पास जाओ, उनको आइडिया सुनाओ, आपको वो जो है फ्री के अंदर वर्क स्पेस देंगे, आपको एंजल इन्वेस्टर आपके आइडिया में पैसा भी डालेगा और आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा, भैया तू इस आइडिया पे ऐसे काम कर, अच्छा अच्छा तेरे को ऐसे एग्जीक्यूट करना है, तेरे को इतना पैसा चाहिए, तेरे को कोफाउंडर चाहिए, तेरे को मैनेजमेंट चाहिए, तेरे को वर्क स्पेस चाहिए, तेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, बस थोड़ा छोटा सा परसेंटेज हमारे एंजल इन्वेस्टर का या फिर इंक्यूबेशन सेंटर का दे दो भैया, या फिर लोट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर तो फ्री होते हैं। गुजरात ने क्या किया, थोड़ा बताना चाहूंगा मेरे गुजरात के बारे में, गुजरात ने कमाल कर दिया भैया। गुजरात क्या करता है, गुजरात बहुत सारे फ्री के अंदर इंस्टीट्यूट खोल रहा है आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का। हाँ जी, आपके पास कोई आइडिया है, आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ, आइडिया शो करो और इन्वेस्टर आपके आइडिया के अंदर डायरेक्टली पैसा डालेगा। हाँ जी, डायरेक्टली पैसा डालेगा और आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको फ्री के अंदर वर्क स्पेस दे रहे हैं, आप हमारे देश को बढ़ा रहे हो, जॉब्स क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आईआईटी ने क्या किया, इंक्यूबेशन सेंटर तो बनाया, आप रिसर्च लैब बना दिया। अब जो बच्चे होते हैं वो कहां से रिसर्च करें, उतना पैसा कहां से लेकर आए, अब लेकिन उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड क्लास बेस्ड मशीनें लेकर आए, अब टेक्नोलॉजी लगा दी लैब के अंदर। अब तुमको कोई गाड़ी बनानी है, तुम ऑटोमोबाइल पे काम कर रहे हो, अब तुम एविएशन पे काम कर रहे हो, तुम एरोस्पेस पे काम कर रहे हो, तुम मैकेनिकल पे काम कर रहे हो, डोंट वरी, तुमको वहां पे सारा का सारा सपोर्ट मिलेगा, सारी के सारी तुम टेस्टिंग कर सकते हो, वहां पे अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो, सब कुछ इंक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशन सेंटर के अंदर आपको मिल जाता है। और वहीं से जो है वो बहुत सारे तो वहीं से अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली रन कर देते हैं, उनको वीसी जब बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग मिल जाती है भैया, वाईटी कॉम्बिनेटर एंड बड़े बड़े वीसी फंड से डायरेक्टली फंड मिल जाता है भैया। और वैसे आईआईटी का नाम तो भाई तो जैसे ही पता चल रहा भैया आईआईटी से स्टार्टअप आया, आईआईटी से आया, आईआईटी से आया, कोई बात नहीं पैसा डालो इसके अंदर, पैसा इसके अंदर डालो, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैंने देखा बहुत सारे वीसी को ऐसा ही करते, भैया आईआईटी से स्टार्टअप आया, अच्छा अच्छा आओ 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 पैसा भी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये आईआईटी, आईआईटी का विजन देखो आप, बहुत बड़ा विजन है आईआईटी का। ऐसा विजन नहीं है कि मेरे को करोड़ों के सैलरी पैकेज वाले बंदे निकाले, उससे पता है आईआईटी से, ऐसा नहीं कि सारे स्टार्टअप ही जा रहे हैं, अब बहुत सारे सीईओ भी बन रहे हैं। आपने गूगल के सीईओ का नाम सुना होगा, लोट ऑफ कंपनियों का कौन हैंडल कर रहा है, वैसे आईआईटी एनसीओ तो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे सीईओ ही बनते हैं, स्टार्टअप ही करते हैं, नो 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 नो। अब आईआईटी से तो वैसे कॉमेडियन ही है, हाँ जी, अब एक्टर भी है, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, हाँ जी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी है, ऐसा कुछ नहीं है, अब बैंकिंग के अंदर भी है, आप इंफ्रा के अंदर देख लो, आप सीएम देख लो ना, आप पॉलिटिक्स के अंदर देख लो, आपको आईआईटी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, आप गुंडों के अंदर देख लो, आपको गुंडे भी आईआईटी में मिल जाएंगे। हाँ जी, आईआईटी, आईआईटी का विजन यह नहीं कि आईआईटी को जो एम्प्लॉयर क्रिएट करने हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, नो, आईआईटी का सटीक विजन है देश को सक्सेस बनाना है, आगे बढ़ाना है, हैबिलियर विद द प्रोसेस। हाँ जी, हैबिलियर विद द प्रोसेस। वैसे आईआईटी के अंदर जाना बहुत मुश्किल काम है, और पेरेंट्स का और लाखों बच्चों का ये रहता है कि यार हम आईआईटी में पहुंचे कैसे, और हम अगर आईआईटी में नहीं जा पा रहे तो आईआईटी जैसा हमें कल्चर कौन से इंस्टीट्यूट में मिलेगा। अब सो वो आपको प्रोवाइड करता है कॉलेज जानकार। हाँ जी, कौन, कॉलेज जानकार। सो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारी कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हैं कि भैया आपको कौन सी जगह पर स्टार्टअप फंडिंग अच्छी मिलेगी, तुमको बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहिए, अब कि तुमको जो है एक लल्लू लाल कॉलेज
कॉलेज में किसी गांव में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी नहीं है। हाँ जी, अब कौन से कॉलेज होते हैं वैसे, अब यह क्या जगह मैटर करती है? अगर मेरे को एक्टर बनना है तो मेरे को एडमिशन मुंबई में लेना चाहिए, अगर मेरे को स्टार्टअप करना है तो डेफिनेटली बेंगलोर में लेना चाहिए, डायरेक्टली विश्व के पास जाऊँगा, फंड उठाऊंगा और दूसरे दिन स्टार्टअप स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जी, अब क्या होता है, ये बहुत बड़ा विजन लेकर चलना पड़ता है आपको। अब इसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर दिया है, अब बोर्ड लाइन नंबर भी दे रखा है, अब जरूर से आप हमारी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हो और IIT की तरह अपना भी विजन बहुत बड़ा रखो और आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आर सेलेक्टेड फॉर द IIT एंड हैव गुड मार्क्स इन द JEE एडवांस। थैंक यू सो मच।